एनडीए में सीट शेयरिंग और आरएलएसपी के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा की नाराज़गी किस कदर है, आइए जानते हैं हम बिहार सरकार के मंत्री पशुपति कुमार पारस जी। सर, तो जब तक चारों दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्टेट के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विधिवत जब तक इन लोगों की बैठक नहीं होगी, तब तक अब उसको हवाबाजी बयान चल रहा है उस मतलब पर तक हवाबाजी ही हो रहा है। हाँ, उस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। अमित शाह जिस तरह से 50-50 की घोषणा, 50 में क्या बोले हों, 50-50 में 20-20 बोले हैं, 10-10 बोले हैं, 5-5 बोले हैं, तो नहीं बोले हैं, सिर्फ इतना ही बोले हैं कि 50-50 जनता दल यू और भाजपा में होगा और रेस्ट सीट जो बचेगा वो लोजपा और उपेंद्र कुशवाहा जी को दिया जाएगा। संख्या तो उसमें नहीं खोला गया, इससे बहुत चीज़ देखा जाता है, किसके पास जीता उम्मीदवार है, कास्ट समीकरण देखा जाता है, तो ये सब जब तक हम लोग चारों दल के लोग आपस में बैठेंगे उसके बाद ही कोई निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। लेकिन अभी हमारे हिसाब से सीट शेयरिंग के लेकर के कि कौन सीट पर कितने लोग लड़ेंगे इस पर अभी कोई ठोस चर्चा नहीं हुई। पिछले लोकसभा चुनाव जितनी सीटें एलजेपी के पास थी या जितनी सीटें आपने मांगी, क्या इस बार 2019 के इलेक्शन में एलजेपी उससे ज़्यादा सीटें लेगी या कम अगर मिलेगा तो समझौता करेंगे? हम तो निश्चित रूप से चाहेंगे कि हमको अधिक से अधिक सीट मिले, और बिहार में अगली बार हमको 7 सीट मिला था, 6 पर हम विजयी हुए, हम तो उसको 7 मानते हैं कि हम 7 सीट जीते। एक सीट प्रशासन के द्वारा हराया गया, हमारा उम्मीदवार अति पिछड़ी जाति का जात के उम्मीदवार थे डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा जी, 7,000 कुछ मतों से उनको चुनाव रिजल्ट उनको नहीं देकर दूसरे को दिया गया। तो हमारा तो ये प्रयास है कि हमारा ग्राफ जब डाउन नहीं आया, और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में एक लोक जनशक्ति पार्टी है, कैसी पार्टी है जिसका वोट ट्रांसफरेबल है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जहाँ भी इशारा होगा, जब भी हम लोग कभी महागठबंधन में यूपीए गठबंधन में थे, हमारा वोट 100% ट्रांसफर हुआ यूपीए गठबंधन को। फिर हम लोग एनडीए में आए 2020 में, तो फिर एनडीए को वोट ट्रांसफर हुआ, फिर हम लोग यूपीए में गए सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, उसमें अभी उतना ही सीट बिहार को मिला जितना कि आज है। तो ये तो साबित कर चुके हैं हम लोग यूपीए का जो लोक जनशक्ति पार्टी का जो वोट है, परसेंटेज वोट जो भी हो जितना है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कहने पर वोट 100% ट्रांसफरेबल है। तो हम तो निश्चित रूप से मांग करेंगे कि लास्ट 2014 में जितना सीट पर हम चुनाव लड़े थे उतना सीट मुझको दिया जाए। मांग कीजिएगा, लेकिन अगर कम मिलता है तो क्या समझौता नहीं, अगर मगर कहाँ सवाल है, जब तक हम चारों आदमी बैठेंगे नहीं। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, क्या लगता है उनकी नाराजगी कितनी जायज है? देखिए, ये तो उन लोगों का पर्सनल मामला है, इसमें अब वो लोग बड़े नेता हैं, उसमें हस्तक्षेप करना और हम लोग को कुछ बोलना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ अंत तक मामला सुलझ जाएगा, मतलब कि अंत तक उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे। हाँ, एक आखिरी सवाल सर, इन दिनों बिहार में तेज प्रताप जी को लेकर बड़ा, वो तो देखिए उनका पारिवारिक मामला है, उसमें तो इंटरफेरेंस का कोई सवाल नहीं है, पारिवारिक मामला है। वो भी हम समझते हैं कि लड़का बच्चा है, वो भी पारिवारिक मामला है, वो भी आज न कल सब ठीक ठाक हो जाएगा। पशुपति कुमार पारस जी ने साफ तौर पे कहा कि एनडीए एकजुट है और कहीं ना कहीं जो चारों राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी एक साथ मीटिंग होगी और सीटों का जो मामला है वो फाइनल हो जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि लोक आस्था के महापर्व के बाद किस तरीके की आस्था तमाम पार्टियाँ एकजुट होती है या नहीं। कैमरा पर्सन मुन्ना के साथ कुमार गौतम, अजय भारत, पटना।